सीआईए टू कुरुक्षेत्र ने हत्या के मामले में फरार चल रहे दो इनामी बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। 13 अगस्त को कुरुक्षेत्र में शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें जसबीर और राजेश की पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनामी बदमाश राजेश के साथ मिर्जापुर के युवक प्रदीप को भी पकड़ा है। इसी संबंध में डीएसपी नरेंद्र कादियान ने मीडिया को जानकारी दी। ऐसा है, हमारे सीआईए टू कुरुक्षेत्र की टीम ने इंस्पेक्टर मलकीत सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। जो सुबह मर्डर केस था, उसमें दो आरोपी तो पहले पकड़ चुके थे, इसी टीम ने पकड़े थे। उसके बाद में दो आरोपी जिनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था, मोस्ट वांटेड थे, उनको पकड़ने में इन्होंने कामयाबी हासिल की है। 6 तारीख को इन्होंने राजेश उर्फ जस्सा को पकड़ा है और इसका एक साथी प्रदीप उसको पकड़ा है। इनके पास से एक पिस्टल, 2 राउंड, 1 कट्टा और 1 राउंड प्राप्त हुआ था, जिसका पिपली थाने में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। और दूसरा इनका साथी जो राजेश था, जसबीर, और जसबीर को कल इन्होंने गिरफ्तार किया है और उसके पास से भी 1 कट्टा और 1 राउंड प्राप्त हुआ है। पहले प्रदीप कौन सिंह क्राइम रिकॉर्ड पुराना भी है, जो भी पहले अपराध शामिल है। हाँ, इनके खिलाफ का जो जसबीर है उसके खिलाफ तो पहले से 6 मामले दर्ज हैं। और राजेश के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं और जसबीर के खिलाफ 3 मामले दर्ज। किस तरह के मामले ज़्यादा दर्ज हैं इनके ऊपर? मामले आम सेक्ट के हैं, लड़ाई झगड़े के हैं, मर्डर का है, यही मामले हैं सारे। और यही मामले दर्ज हैं इनके ऊपर। एक धमकी दी थी इन्होंने, वो मामला दर्ज है अलग जी। धमकी इन्होंने गवाहों को दी थी, जो जसबीर के इस शुभ मर्डर केस में गवाह थे उनको दी थी। नहीं, अभी आगे तफ्तीश है, रिमांड पे है ये तो, आगे तफ्तीश है क्या आता है वो आगे की बात। 2 दिन के रिमांड पे।